गुड आफ्टरनून किड्स। गुड आफ्टरनून सर। हैवी का मतलब क्या होता है? भारी। भारी। हाउ हैवी एम आई, मतलब मैं कितना भारी हूँ। डू यू रिमेम्बर द स्टोरी ऑफ हाउ वेदिकाज डॉटर फाउंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट, मैथ मैजिक क्लास फोर्थ पेज 143। अब देखो, पिछली क्लास में जो क्लास फोर्थ में थे उसमें हमने हाथी का वजन निकाला था एक नाव पे रख के, ठीक है, मतलब नाव को हमने हाथी पे रखा था और उससे जितसे जितना भी पानी हट रहा था वो हाथी का क्या था? वेट। ओके, कैन यू गेस द वेट ऑफ द हैवीएस्ट एनिमल ऑन दिस अर्थ। अब वो बोल रहे हैं कि इस जो धरती, ये जो धरती है हमारी, इस धरती का सबसे जो भारी जो पशु है वो कौन है? व्हेल। व्हेल। और जमीन पे? एलिफेंट। एलिफेंट, ठीक है। तो एलिफेंट का जो लगभग जो वेट है वो कितना है? 5000 केजी, ठीक है। 5000 किलो वेट है किसका? एक हाथी का, ठीक है। अब देखो, ये है क्या? व्हेल। इट इज द ब्लू व्हेल, इट्स वेट इज अराउंड 35 टाइम्स मोर देन मी। अब वो बोल रहे हैं जो ये ब्लू व्हेल है, इस ब्लू व्हेल का जो वेट है वो 35 टाइम्स ज्यादा है इस हाथी के, ठीक है, इस हाथी के वेट से 35 टाइम्स ज्यादा है इस ब्लू व्हेल का वेट। ओके, तो कितना होगा ये? क्या करना होगा इसके लिए? गुणा। गुणा किसको? किससे? 35 को। 5000 को 35 से। 35 से, ठीक है, जो भी आंसर आएगा। ओके, गेस हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑफ योर वेट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ एन एलिफेंट ऑफ 5000 केजी। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑफ योर वेट, तुम्हारी वजन के कितने बच्चे एक एलिफेंट के वेट के बराबर होंगे। अब एलिफेंट का वेट कितना है? 5000 केजी। और एक बच्चे का लगभग, तुम्हारा वेट लगभग कितना है? लगभग 35 है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जो हाथी का जो वेट है, कितने सारे बच्चों का वेट मिलके हाथी के वेट के बराबर होगा, तो क्या करना पड़ेगा? भाग किससे किसमें? 35 से 5000 में, ठीक है। 5000 डिवाइडेड बाय 35, ठीक है, 35 से भाग देंगे जितना भी आएगा, इसका मतलब उतने बच्चों के वेट को अगर मिलाया जाएगा तो किसके वेट के बराबर हो जाएगा? एलिफेंट के, एक एलिफेंट के वेट के बराबर हो जाएगा, मतलब 5000 के बराबर हो जाएगा। अब देखो, एट बर्थ अ बेबी एलिफेंट वेज अराउंड 90 केजी। जब एक हाथी के बच्चे का जन्म होता है तो वो कितने किलो का होता है? 90 केजी का। हाउ मच डिड यू वे व्हेन यू वर बॉर्न। अब वो बोल रहे हैं कि एक जो नया बच्चा होता है उसका वेट लगभग कितना होता है? 2 किलो या 3 किलो या 2.5 किलो, तो 2 किलो ले लेते हैं, कि मतलब जो एक नया बच्चा है उसका वेट लगभग कितना है? 2 केजी। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स द बेबी एलिफेंट हैवियर देन यू वर एट बर्थ। अब बताओ कि तुमसे कितना गुना ज्यादा है इसका वजन हाथी के बच्चे का, तो क्या करना पड़ेगा? भाग। भाग किससे? 90 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 45। मतलब 45 गुना ज्यादा वजन है एक हाथी का बच्चे का एक नए बच्चे के, एक मतलब जो आदमी का जो बच्चा होता है और हाथी के बच्चे, मतलब 45 गुने का फर्क है, मतलब 45 गुना ज्यादा भारी होता है हाथी का बच्चा। इट इज अ ग्रोन अप एलिफेंट ईट्स 130 केजीज ऑफ अ फूड इन अ डे, देन इट विल ईट अराउंड 10 केजी इन अ मंथ। एक हाथी का जो बच्चा होता है, एक हाथी जो होता है वो एक दिन में कितना केजी फूड खाता है? 136 केजी। तो महीने में कितना खाएगा वो, क्या करना होगा? एक महीने में कितना खाएगा वो, क्या करना पड़ेगा? 30 के साथ उसको गुणा 136 into 30, ठीक हो गया। गेस अबाउट हाउ मच इट विल ईट इन एयर, और एक साल में कितना खाएगा वो, तो क्या करना पड़ेगा? 365 से किसको करना है गुणा? 136। 365 से 136, ठीक है, जितना भी आएगा आंसर तो वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके।